हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। तो यहाँ पर एक BTUP से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, ऑफिशियल ट्यूट किया गया है और इस ट्यूट के माध्यम से कहीं ना कहीं सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे। काउंसलिंग डेट यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है, आपकी कॉपियां चेक हो रही है और आपको बता दें बच्चों, वीडियो को पूरा देखेंगे और एक बड़ा नोटिस भी जारी किया गया है। वीडियो को पूरा देखें, जो पहली बार है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा टेलीग्राम भी है जहां पर मैं आपको डेली के क्या क्या न्यू अपडेट्स आते हैं, न्यूज पेपर की कटिंग यहाँ पर देता रहता हूँ, तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब बिना किसी देरी के हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल ट्यूट के बारे में। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, तो आप लोगों का रिजल्ट है इवन सेमेस्टर का, वो देखिए 15 सितंबर तक उम्मीद है रिजल्ट आने की। हालांकि मैं भी आपसे बोल रहा था कि सितंबर के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक तक आ जाएगा, इंतजार करो। हालांकि जावेद मुस्तफा सर ने भी पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर से उन्होंने बताया है कि सितंबर 15 तक उम्मीद है रिजल्ट आने की। आप लोग यहां पर आंखें खोल के देख लीजिएगा, जावेद मुस्तफा सर ने पहले भी ट्वीट किया था और फिर आज फिर भी ये ट्वीट कर रहे हैं कि इनकी उम्मीद है वो बच्चों क्या है 15 सितंबर। ठीक है, देखिए तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं बोर्ड अभी थोड़ा ढीला चल रहा है, अब जो भी होगा हम आपको बताएंगे, परेशान ना। ठीक है, कॉपी चेक हो रही है, बिल्कुल हो रही है बेटा। यहां पर देखिए जावेद मुस्तफा सर ने काउंसलिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों, काउंसलिंग जो है इस बार की है ना, आप जो हमारे जीके वाले बच्चे आएंगे, नए बच्चे, उनकी काउंसलिंग वो है वो सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। आधिकारिक तिथियां 2 से 3 दिन में संयुक्त प्रवेश परीक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। ये भी जावेद मुस्तफा सर ने अपडेट दिया है, आप देख सकते हो। इसी के बीच एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, ये उत्तर प्रदेश शासन के लिए जारी किया गया है। यहां पर बताया क्या जा रहा है बच्चों, जो आपका अभी जन्माष्टमी का त्योहार है, कई जगह मतलब 18 तारीख मतलब कल की डेट में मतलब छुट्टी होने वाली थी, उसको मतलब आगे बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब यह है, हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का त्यौहार यहाँ पर 19 अगस्त, यहाँ पर देखिए 19 अगस्त 2022 को मनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे में जो भी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं 18 तारीख को खुलेंगे और आपके जो 19 तारीख को ये त्यौहार बनाया जाएगा, हालांकि 2 दिन बनाया जाएगा वो बात अलग है। ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आपको दिखता होगा स्क्रीन पर, जितेंद्र कुमार प्रमुख सचिव इसके हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल हैं। ठीक है, फिलहाल ये तो एक त्यौहार की बात है जो नोटिस आया था है ना, आपका जो जन्माष्टमी है 19 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर ये नोटिस भी आप देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं और न्यूज़पेपर में भी अपडेट आ चुकी है बच्चों कि पहले सप्ताह से शुरू होगी काउंसलिंग है ना, जीकब की काउंसलिंग। राजकीय पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए इन्होंने बताया रिजल्ट तो आ चुका है लेकिन काउंसलिंग बच्चों काफी लेट हो रही है, तो इससे काफी ज्यादा जो सेशन होगा, नए बच्चे आएंगे जीकब में, उससे काफी इफेक्ट पड़ेगा और इफेक्ट पड़ेगा तो भैया आपका जो मतलब कहना चाहिए जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, तो वो आगे बढ़ सकता है, बढ़ेगा 100% डेफिनेट बढ़ेगा। हालांकि BTUP कभी भी कोई काम समय से नहीं करता है, आप लोग खुद देख सकते हो है ना, इसमें बता रहा है कि आपकी काउंसलिंग वो सितंबर के फर्स्ट वीक से शुरू होगी। तो ये सारी चीजें आज के न्यूज़पेपर में भी दे रखी हैं, आप देख सकते हो पहले सितंबर से शुरू तैयारी चल रही है और मतलब काफी सारी तैयारी बोर्ड हमारा कर रहा है। तो ये सारी अपडेट्स आज की न्यूज़पेपर में आई है और जावेद मुस्तफा सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है ट्यूट के माध्यम से कि आपका रिजल्ट है वो सितंबर के सेकेंड वीक में आने के चांसेस बन रहे हैं। हालांकि पहले आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा वीडियो के माध्यम से, अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग ट्यूटर पर महासंग्राम करेंगे, क्योंकि यार जो हमारे फाइनल ईयर वालों का कम से कम रिजल्ट देना चाहिए, हालांकि फाइनल ईयर वालों का आपको पता है रिजल्ट इनको देना चाहिए, क्योंकि फाइनल ईयर के बच्चे जो हैं उनको फॉर्म भी SSC JEE का आया हुआ है, 2 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद बच्चे कैसे फॉर्म भर पाएंगे। कहने का मतलब यह है अगर इस बार बच्चों का छूट जाता है तो बहुत नुकसान होगा बच्चों का, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉ करेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।